Hello dear students, welcome in Ambition Vedic Coaching Institute. In previous video, we have seen the trigonometric functions. Yeah, we have seen just a ratio of trigonometric functions for standard unit circle as well as for radius r. Now in this video, we have to see and we have to discuss about the what range of all those trigonometric functions. अब देखो trigonometric functions के लिए अगर range बताना है तो सबसे पहले डोमेन कोडोमेन और रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डोमेन कोडोमेन और रेंज ये जो चीजें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आप पार्ट टू में सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे अभी कैसे कि रेंज का कॉन्सेप्ट आया है, इसलिए मैं थोड़ा सा डोमेन कोडोमेन और रेंज के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे ये आपका एक सेट है ए, ये आपका दूसरा सेट है बी, ठीक है। y is equal to f of x. f stands for what function, है ना? इसमें f का मतलब क्या है? function, और function का मतलब क्या है? तो function describe the one-one relation. function describe the what? one-one relation. या where describe the one-one relation called as the function. अब इसको कहते हैं अपन domain. domain और ये है आपका codomain. अब domain में मैं कुछ elements यहाँ पे लेता हूँ इस तरह से, और कोडोमेन में मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब देखो कि वन इज रिलेटेड विथ फाइव, टू इज रिलेटेड या एसोसिएटेड विथ फोर, एंड थ्री इज रिलेटेड विथ सिक्स। जैसे इमेजिन करो, ठीक है, कि इमेजिन करना है कि जैसा आपके फैमिली में रिलेशन होता है, वैसे नंबर में भी यहाँ पे एक रिलेशन डिस्क्राइब किया जाता है। जो रिलेशंस होते हैं आपके फैमिली में, अलग अलग प्रकार के रिलेशंस होते हैं। देर आर द मीन सर्टन टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन आर फैमिली। तब वैसे नंबर्स में भी जो एक सर्टन टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं, वन वन रिलेशन, इन टू रिलेशन, ऑन टू रिलेशन, मेनी वन रिलेशन, इन दिस वे, ये सभी चीजें आप सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस में पार्ट टू में पढ़ोगे। नाउ सी व्हाट आई टोल्ड यू कि वन इज रिलेटेड विद फाइव अंडर द फंक्शन एफ, टू इज रिलेटेड विद फोर अंडर द फंक्शन एफ, and 3 is related with या associated with 6 under the function f. function it means where describe the one one relation called as the function. अब देखो यहाँ पे the first set called as domain, whereas second set called as the codomain. अब range क्या होता है? तो जो range है, ये range अपन codomain से determine करते हैं। वो कैसे? देखो कोडोमेन में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स कंटेंट है? पांच एलिमेंट्स कंटेंट है, फाइव एलिमेंट्स कंटेंट हियर। सो और एक चीज कि डोमेन में जो एलिमेंट्स कंटेंट होते हैं इसको इमेजेस कहते हैं, और कोडोमेन में जो एलिमेंट्स कंटेंट है उसको प्री इमेजेस कहते हैं। एंड वन टू थ्री दे आर कॉल्ड एज इमेजेस, वेर एज 4 5 6 7 8 दे आर कॉल्ड एज प्री इमेजेस, राइट। सो कम टू पॉइंट, जो रेंज है वो अपन कोडोमेन से डिटरमाइन करते हैं। वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो यहाँ पे कोडोमेन में पांच एलिमेंट्स कंटेंट है ना, फाइव एलिमेंट्स आर कंटेंट हियर। सो इन पांच एलिमेंट में से ओनली थ्री एलिमेंट्स के जो प्री इमेजेस है ये डोमेन में कंटेंट है। लेफ्ट हियर टू एलिमेंट्स 7 एंड 8, तो 7 एंड 8 दे हैज नो प्री इमेजेस इन डोमेन। तो कोडोमेन में जो एलिमेंट्स कंटेंट है उनमें से जिन एलिमेंट्स के प्री इमेजेस डोमेन में कंटेंट है वही रेंज को बिलोंग करेंगे, बराबर है। तो सी वंस अगेन, इन कोडोमेन कंटेंट फाइव एलिमेंट्स, सो आउट ऑफ दिस फाइव एलिमेंट्स ओनली थ्री एलिमेंट्स 4 5 6 दे हैज द प्री इमेजेस इन डोमेन, सो दैट द 4 5 6 बिलोंग्स टू द रेंज। वेयर एज कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स आएंगे, जिनका रिलेशन है वो भी आएंगे, और जिनका रिलेशन नहीं है वो भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। एंड वॉट एवर द एलिमेंट्स कंटेंट इन सेट बी, ऑल दोज एलिमेंट्स यू नो दे आर बिलोंग्स टू कोडोमेन। वेर एज डोमेन में भी सेट ए में जो एलिमेंट्स कंटेंट है वो सभी एलिमेंट्स डोमेन में आएंगे। तो इसको रेंज कहते हैं। किसको रेंज कहते हैं? पहला रेंज जो है वो कोडोमेन से डिटरमाइन करते हैं, पॉइंट नंबर वन। अब कोडोमेन से रेंज डिटरमाइन करते समय सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स कंटेंट है, इन ऑल उन सभी एलिमेंट में से जिन एलिमेंट्स के प्री इमेजेस डोमेन में कंटेंट है, या जिन एलिमेंट्स का रिलेशन कोडोमेन के एलिमेंट के साथ है, वही एलिमेंट्स रेंज को बिलोंग करेंगे। तो इसको रेंज कहते हैं।
अब चलते अपन साइन कॉस टैन से कोसेक कॉट के रेंज के तरफ. ओके सो देखो, अगर अपने को साइन कॉस टैन से कोसेक कॉट इनका रेंज अगर डिटरमाइन करना है या इनका रेंज अगर निकालना है, तो सबसे पहले यहां पे आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, स्टैंडर्ड व्हाट यूनिट सर्कल. अब यू नो इन प्रीवियस वीडियो इन वी हैव सीन अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एंड व्हाट डज मीन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, जिसमें आपका सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है और आपका जो रेडियस होता है वो रेडियस इज इक्वल टू कितना होता है 1 यूनिट. वैसे यूनिट का मतलब ही 1 होता है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इट मीन्स वेयर द सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज ओरिजिन वेयर एज द रेडियस इज व्हाट 1 यूनिट. तो सेंटर पॉइंट ओरिजिन और रेडियस 1 यूनिट के लिए मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल निकालता हूँ इस तरह से. ये आपका सेंटर पॉइंट ओरिजिन और इस सेंटर पॉइंट ओरिजिन के लिए और रेडियस 1 यूनिट के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल निकाला. राइट, इसमें आपका जो रेडियस है वो कितना है 1 यूनिट है. सेकेंड थिंग, जब भी एंगल को कंस्ट्रक्ट करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में देखे हैं कि वेन एवर वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट द एंगल देन यू नो टेक अ पॉइंट कॉल्ड एज वर्टेक्स ऑन द प्लेन सर्फेस एंड देन फ्रॉम दिस वर्टेक्स यू नो ड्रॉ 1 रे कॉल्ड एज द व्हाट इनिशियल रे. ओके, कॉल्ड एज द व्हाट इनिशियल रे. तो यहां पे जो वर्टेक्स है वो इस सेंटर पॉइंट ओ को लेना है और इस सेंटर पॉइंट ओ से जो इनिशियल रे निकालना है वो कहां निकालना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर. ओके, सो यू नो दिस इनिशियल रे इंटरसेक्ट दिस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इन पॉइंट ए से. देन रोटेट दिस इनिशियल रे इधर इन एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन और इन क्लॉकवाइज डिरेक्शन, नो इश्यू. तो यहां पे मैं इस इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन में रोटेट करता हूं टिल फॉर्म द एंगल व्हाट थीटा. थीटा इज द एक अननोन अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है. देन जिस पॉइंट से आपने इनिशियल रे निकाले उसी पॉइंट से एक अनदर रे निकालो जिसको अपन क्या कहते हैं, टर्मिनल रे कहते हैं, नेम्ड एज से ओबी. ओके, देन फ्रॉम दिस पॉइंट बी, फ्रॉम दिस पॉइंट बी ड्रॉ द वन लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, which is perpendicular to the what x-axis, say at point M. इस तरह से. तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये आपका अक्यूट एंगल थीटा. ठीक है, और यहां पे एक अक्यूट एंगल थीटा के लिए अपन ने एंगल क्या किए, कंस्ट्रक्ट किए. अब देखो ये जो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यू नो ट्राइंगल ओ एम बी इज अ वॉट राइट angled triangle at which point, at point M. In this right angle triangle what are known to us, first of all the length of OB, length of OB is equal to 1 unit. Why? You know OB is your radius and radius of this circle is 1 unit, therefore OB is 1 unit. Then point B jo hai is point B ke coordinates, aap suppose karo पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको सपोज करना है. क्या सपोज करना है, एक्स कमा वाई. अगर पॉइंट बी के, पॉइंट बी का अगर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है तो ऑब्वियसली आपका जो ओ एम है वो एक्स रहेगा बिकॉज ओ एम लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड ओ एम जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसलिए आपका ओ एम एक्स एक्स होगा. देन पॉइंट बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई है, इसीलिए ये जो आपका बी एम है, लेंथ ऑफ बी एम, ये लेंथ ऑफ बी एम कितना है आपका वाई है. यहां से भी इस तरह से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो इस तरह से. ठीक है, तो यहां से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर वाई है तो ये भी कितना होगा, वाई होगा. सो इन दिस वे इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपने को तीनों साइड्स का लेंथ पता है, करेक्ट. देन अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर. तो आपका OB कितना है 1 स्क्वायर, OM कितना है x स्क्वायर और आपका BM कितना है y स्क्वायर एंड दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये अपन ने पिछले वीडियो में भी देखे थे. अब इसी कॉन्सेप्ट, ये जो आपको पाइथागोरस थ्योरम से यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये जो स्टेटमेंट